नमस्कार, आप देख रहे हैं मिश्रा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस बुलेटिन में वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। खबर एटा से सामने आई है। बता दें कि यूपी के एटा से ये खबर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में आज बीआई व सील टैक्स की टीम ने राबू, आप बता दें रामबाबू जैन गुटखा विक्रेता के साथ छापेमारी की है। जी हां, आपको बता दें कि गुटखा विक्रेता के यहां छापेमारी की गई, जिससे व्यापारियों में हड़कंप सा मच गया। वहीं ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापारियों ने, आपको बता दें, नोकझोंक हुई थी, जिसके बीच जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि टीम ने शहर के चार अलग अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई की गई है। यह जीएसटी की एसआईबी की टीम है। हम लोगों का सभी व्यापार मंडलों का प्रदेश स्तर पर एसआईबी टीम की छापों का विरोध है और मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया है। रुके हुए हुए आज एटा में आए हैं। यह कायदे से तो हम लोग आने नहीं चाहिए, और हम आए भी हैं तो हमारे व्यापार मंडल के जो संगठन है उनको पदाधिकारियों साथ लेना चाहिए। उसके बावजूद भी यह मनमानी तरह से अपने छापे मार रहे हैं, लिखापढ़ी कर रहे हैं। हमारे व्यापारी जो अधिकार पदाधिकारी हैं उनसे बद्धता हो रही है। हम लोग इस छापे की और जो व्यवहार है इनकी निंदा करते हैं। यह जीएसटी की एसआईबी की टीम है। हम लोगों का सभी व्यापार मंडलों का प्रदेश स्तर पर एसआईबी टीम की छापों का विरोध है और मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया है। रुके हुए हुए आज एटा में आए हैं। यह कायदे से तो हम लोग आने नहीं चाहिए, और हम आए भी हैं तो हमारे व्यापार मंडल के जो संगठन है उनको पदाधिकारियों साथ लेना चाहिए। उसके बावजूद भी यह मनमानी तरह से अपने छापे मार रहे हैं, लिखापढ़ी कर रहे हैं। हमारे व्यापारी जो अधिकार पदाधिकारी हैं उनसे बद्धता हो रही है। हम लोग इस छापे की और जो व्यवहार है इनकी निंदा। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर एटा से सामने आई है। बता दें कि यूपी के एटा से ये खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि जलेश्वर तहसील में पुलिस आबकारी टीम ने छापेमारी की है और इस दौरान 25 ली अवैध शराब और 125 किलोमीटर लहन नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जलेश्वर कोतवाली पुलिस ने आबकारी विभाग की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए नगर की, आपको बता दें, नगर की गिहार बस्ती स्थित एक मकान पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब तथा लहन नष्ट कर दिया है। रुकरता अगली खबर की ओर। खबर यूपी के आगरा से सामने आई है। बता दें कि यूपी के आगरा से यह खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां आगरा में थाना फतेहाबाद क्षेत्र के गांव प्रतापपुरा में मंगलवार शाम को, आपको बता दें कि टैक्स की तहरीर लेने के लिए, आपको बता दें कि जहरीली गैस से 5 युवकों की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में कोहराम सा मच गया। बुधवार सुबह 5 लाशें उठाई गई, आपको बता दें 5 लाशें उठते ही गांव में चारों तरफ तितराह मच गई। करुण कंद्रम की गूंजने सुनाई देने लगी, हर किसी के आंख में नम आंसू भी दिखाई दिए। बता दें कि मानो ऐसा लग रहा था कि आंखों से आंसुओं की सैलाब सा उमड़ गया हो। फतेहाबाद की ये पूरी घटना है, जहां अचानक से गैस फटने के कारण 5 युवकों की एक साथ ही मौत हो गई। रुकरता अगली खबर की ओर। खबर यूपी के मऊ से सामने आई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ से यह खबर सामने आई है, जहां मऊ जनपद के रतनपुर ब्लॉक के खंड शिक्षा कार्यालय परिसर में, आपको बता दें कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव शिक्षा चौपाल एवं शैक्षणिक उद्यकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के ब्लॉक के सभी संयुक्त के पदाधिकारी सहित विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक और प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे। जी हां, प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे। इस प्रेरणा ज्ञान उत्सव कार्यक्रम में प्रेरणादायी छात्रों को, आपको बता दें, प्रणाम पत्र और माल्यार्पण कर सम्मानित भी किया गया। मैं श्वेता, प्राथमिक विद्यालय पिलखी, प्रभारी प्रधानाध्यापिका। ये मेला लगाने का उद्देश्य है।
सर, टीएलएम मेला इसलिए लगाया गया है कि हम इस टीएलएम के माध्यम से जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसको जन जन तक पहुंचाएं और अपनी जनता को ये दिखाएं कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे अध्यापक द्वारा किन किन तरीकों के प्रयास किए जाते हैं, जिससे कि वो अभिभावक भी बच्चों को समझें और वो भी अपने स्तर से इस तरीके का प्रयास करें और पूरे शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाएं और अभिभावकों को प्रेरित करके हम अपने विद्यालय में नामांकन की स्थिति में और सुधार करने के लिए ये सारे कार्य करते हैं। मैं श्वेता, प्राथमिक विद्यालय पिलखी, प्रभारी प्रधानाध्यापिका। टीएलएम मेला लगाने का उद्देश्य आज क्या? सर, टीएलएम मेला इसलिए लगाया गया है कि हम इस टीएलएम के माध्यम से जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसको जन जन तक पहुंचाएं और अपनी जनता को ये दिखाएं कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे अध्यापक द्वारा किन किन तरीकों के प्रयास किए जाते हैं, जिससे कि वो अभिभावक भी बच्चों को समझें और वो भी अपने स्तर से इस तरीके का प्रयास करें और पूरे शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाएं और अभिभावकों को प्रेरित करके हम अपने विद्यालय में नामांकन की स्थिति में और सुधार करने के लिए ये सारे कार्य करते हैं। मैं श्वेता, प्राथमिक विद्यालय का चौपाल का एक कार्यक्रम किया जा रहा है और इसका उद्देश्य यह है कि एजुकेशनल क्वालिटी को जो हमारा निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य है, उस निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य को हमारे बच्चे, सभी बच्चे, इस ब्लॉक के सभी बच्चे उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें जो भाषा और गणित का प्रेरणा लक्ष्य दिया गया है। इसके साथ ही साथ अन्य विषयों का भी हमें पढ़ाना है, सभी विषय में हमें अपने बच्चों को पारंगत करना है। जो निर्धारित लक्ष्य, जो मूल्यांकन का जो लक्ष्य रखा गया है, वो भाषा और गणित का रखा गया है और अगर हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो माना जाएगा कि हमारे बच्चे अपने प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं और हम अपने ब्लॉक को एक प्रेरक ब्लॉक बनाने की घोषणा कर सकते हैं। का चौपाल का एक कार्य नुक्कड़ तक अगली खबर की ओर। खबर यूपी के मऊ से सामने आई है। बता दें कि यूपी के मऊ से ये खबर सामने आई है, जहां मऊ जिले के थाना सराय लखसी के अंतर्गत, आपको बता दें कि जिला विद्यालय निरीक्षण ऑफिस में गत दिनों पहले किसी अदृश्य चोरों के ने डबल तालिक में बंद स्टोर में, आपको बता दें कि 50 लैपटॉप की चोरी की घटना को अंजाम दे दिया है, जिसकी सूचना बहुत बाद में स्थानीय स्टाफ को लगी। बता दें कि जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया और यह खबर मऊ से सामने आई है, जहां 50 लैपटॉप की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और इसकी जानकारी बहुत ही बाद में स्टाफ को पता चली और पूरी खबर सामने आने के बाद से ही पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। इस संबंध में DIS ऑफिस के लिपिक की सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, तफ्तीश की जा रही है, रिकवरी के लिए प्रयास किया जा रहा है। किसकी धारा के अंतर्गत है? 379 IPC 379। रुकते अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बस्ती से सामने आई है। बता दें कि यूपी के बस्ती से यह खबर सामने आई है, जहां जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर निस्तारित करने का संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। इतना ही नहीं, विकास भवन सभागार में आयोजित किसान दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित सभी किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड भी बनवाया जाएगा और इसके साथ साथ आपको बता दें कि फील्ड स्तरीय कर्मचारी सक्रिय रहकर किसानों की समस्याओं का निस्तार भी करेंगे। रुकते अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बस्ती से सामने आई है। बता दें कि यूपी के बस्ती से यह खबर सामने आई है, जहां बस्ती जिले में आज शास्त्री चौक पर प्रदेश ने, आपको बता दें, नेतृत्व के आह्वान पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा GNCTD के साथ एक्ट में बदलाव व विरोध के केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान बस्ती आप जिलाध्यक्ष राम यज्ञ निषाद ने कहा कि इस बिल के जरिए केंद्र सरकार इस खतरनाक बिल के जरिए दिल्ली में
चुनी हुई सरकार को कमजोर करना चाहती है। इस बिल के जरिए एलजी को पूरी शक्तियां मिल जाएंगी। दिल्ली की चुनी हुई सरकार जो भी बिल लाएगी वह एलजी के पास जाएगी, वह सुनेंगी नहीं सुनेगी, ये बात की बात है। वही आपको बता दें कि वह सुनेंगे नहीं तो तल्खी बढ़ेगी। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के लगातार बढ़ रहे राजधार व एमसीडी में हुई हार के बाद बीजेपी बौखला गई है। भाजपा की केंद्र सरकार संसद में एक बेहद खतरनाक बिल ला करके दिल्ली में चुनी हुई सरकार को कमज़ोर करना चाहती है। इस बिल के जरिए एलजी को पूरी शक्तियां मिल जाएगी और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को जीने जितने प्रस्ताव फैसले लेंगे वो एलजी के पास जाएगा और एलजी इसको जो है सुनेंगे नहीं तो तल्खी बढ़ेगी। इसलिए भाजपा पूरी बुरी तरह से विधानसभा में हारी और अभी हाल ही में 5 उपचुनाव एमसीडी के हुए उसमें 0 इनको नंबर आया और आम आदमी पार्टी को देखते हुए गुजरात महाराष्ट्र को उठा लीजिए तो आम आदमी पार्टी का पूरे देश में जनाधार बढ़ रहा है। रुकरता अगली खबर की ओर। खबर यूपी के आगरा से सामने आई है। बता दें कि यूपी के आगरा से ये खबर सामने आई है जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों का शिकार थम नहीं रहा है। आए दिन कोई ना कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता नजर आता है। इस हादसों का एक बड़ा कारण कोई ना कोई वाहन सड़क पर खड़े करना भी है। अब इन हादसों को कम करने के लिए सख्ती की गई है और यमुना एक्सप्रेसवे पर बीच बीच में रखी गई पार्किंग की जो सुविधा दी गई है अब राहगीर सिर्फ उसी में गाड़ी पार्क कर सकेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के शाहजहांपुर से सामने आई है। बता दें कि यूपी के शाहजहांपुर से यह खबर सामने आई है जहां शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रक ने साइकिल सवार युवक और उसके 2 बच्चों को कुचल दिया। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित भीड़ ने हादसे के बाद सड़क पर जाम लगा दिया जहां पुलिस और प्रशासन जाम खुलवाने पहुंचा और कई घंटों की मशक्कत के बाद गुस्साई भीड़ को समझाने के बाद जाम खोला गया। रुकते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के गोड्डा से सामने आई है। बता दें कि यूपी के गोड्डा से यह खबर सामने आई है जहां पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और लगा रहे हैं सरकार को पतीला। जी हां, इतना ही नहीं, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार एक अधिकारियों की मिलीभगत से 2 करोड़ की लागत से बनी हुई सड़क एक दिन में ही उजड़ गई। जी हां, आपको बता दें कि 2 करोड़ में लागत में एक सड़क बनाई जाती है जिसके बाद आप देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से कि सड़क का हाल आखिरकार क्या है। 2 करोड़ की लागत वाली सड़क एक दिन में ही भरभराकर गिरती हुई नजर आ रही है। आप विजुअल्स के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह 2 करोड़ की सड़क एक दिन में गिरती हुई नजर आती है। पीडब्ल्यू के अधिकारी का सरकारी पतीला खुलता भी नजर आया है कि किस तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है सड़कों के निर्माण के लिए जो एक दिन में ही क्षतिग्रस्त हो जाती है। बता दें कि गोड्डा से यह खबर सामने आई है जहां अधिकारियों की पोल खुलती नजर आई है। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार एक अधिकारियों की मिलीभगत से 2 करोड़ की लागत से बनी हुई सड़क एक दिन में ही उजड़ गई। घटना आपको बता दें, आपको गायघाट से एक पूरी खबर सामने आई है जहां कई दिनों तक पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड का मामला है जहां पे लगातार सड़क का निर्माण चलाया जा रहा है और इस दौरान ये देखने को मिला कि एक दिन में ही सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए 24 न्यूज के साथ।